वाराणसी पहुंचे दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अन्ना हजारे के आंदोलन पर निशाना साधा है और कहा कि देश समझदारी के फैसले लेता और जनता के फैसले पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। बहुत समझदारी से अपना डिसीजन लेता है और जनता की सोच पे आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और वो समय तब का था, आज के समय में अन्ना की भी सारी गतिविधियां, सारे स्टेप्स जनता के बीच में आ चुके हैं। तो ये देश में एक दिल से जो भावना निकलती है ना किसी बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो देश एक होता है। आज देश थोड़ी कड़वी दवाइयों के साथ आगे बढ़ गया है, भ्रष्टाचार का राक्षस मारा जा रहा है। अन्ना के बहाने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी मनोज तिवारी ने तंज कसा और कहा कि अन्ना हजारे का दिया एक चेला दिल्ली को तहस नहस कर रहा है, फिर भी अन्ना उसका विरोध नहीं करते। तब के अन्ना और अब के अन्ना में बहुत फर्क है। अन्ना को अपने को बचा के रखना चाहिए था। अन्ना का दिया हुआ एक चेला केजरीवाल ने पूरा दिल्ली का तहस नहस कर दिया और फिर भी उसका विरोध नहीं करते हैं। अन्ना जिस व्यक्ति ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ध्वस्त कर दिया, जिसने अस्पतालों में रिजर्वेशन लगा दिया, मतलब अगर दिल्ली में आप बनारस के रहने वाले हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो दिल्ली के अस्पताल में आपका इलाज नहीं होगा। वो कहेगा नहीं, पहले यहाँ के लोगों का इलाज होगा। आपने कभी जीवन में सुना हमारे देश में रोगी को भी रिजर्वेशन के अंदर हटाया जाए? तो उसके खिलाफ अन्ना क्यों नहीं बैठते हैं? इट मीन्स कि अन्ना का जो तब का जो अन्ना थे और अब के अन्ना में बहुत डिफरेंस है। वहीं शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव पर भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने खुलकर राय रखी। चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीटों के चुनाव पे ऑलमोस्ट हर पार्टी के सदस्यों को अपनी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो अपनी पार्टी से नहीं ईमानदार रहेगा, वो जनता से क्या ईमानदार रहेगा। दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट को लेकर भी मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, में ग्रीन टैक्स लिया जाना शुरू हुआ पिछले 2 साल से। ग्रीन टैक्स, जब भी कोई गाड़ी आती है तो उससे ग्रीन टैक्स लिया जाता है, MCD लेकर के दिल्ली सरकार को देती है। वो 1 साल का 1200 करोड़ रुपया आया और दिल्ली सरकार ने उसको खर्च ही नहीं किया, एक पैसा नहीं खर्च किया। तो जो सरकार ग्रीन टैक्स में आए हुए पैसे को खर्चा ही नहीं करती है, उसका बजट ग्रीन नहीं, उसका बजट रेड है। सारे विकास को रेड सिग्नल दिखाने वाला है। सब भ्रष्टों की सरकार है और ये सिर्फ भुलावा कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपना पेट थपथप। मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बरसे और कहा, कुछ लोगों की 56 इंच की छाती होती है और कुछ लोगों की 56 इंच की जीभ। सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है, 3 साल में दिल्ली सरकार ने क्या किया? पोल्यूशन वाइज सबसे गंदा अगर खतरनाक शहर है तो दिल्ली है। क्या किया 3 साल में? तो कागज पे कहना, देखिए कुछ लोगों की 56 इंच की छाती है और अरविंद केजरीवाल की 56 इंच की जीभ है, जो मन करे बोल दे।